सच बड़ी बड़ी संख्याएं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बड़ी संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। आज की इस वीडियो में हम उनके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। क्या हुआ सोनू, तुम इतने परेशान क्यों हो? दीदी, गणित की परीक्षा में मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। क्यों सोनू, तुमने तो बड़ी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ दीदी, पर पता नहीं क्यों मैडम ने मेरा ये सवाल गलत कर दिया। दिखाओ सोनू। मैंने लिखा कि 100,000 बराबर 10,00,000 और टीचर ने यह उत्तर गलत कर दिया। अरे सोनू, 100,000 का मतलब 1,00,000 होता है। पर ये कैसे? ये देखो, हम 1,000 को ऐसे लिखते हैं, 10,000 को ऐसे। तो बताओ, 100,000 को कैसे लिखेंगे? अरे ये तो 1,00,000 है। हाँ, 100,000 1,00,000 के बराबर होता है। ऐसे ही 200,000 हुआ 2,00,000, 300,000 हुआ 3,00,000। और बताओ कहाँ गलती की है तुमने? दीदी, इस सवाल में 13,03,05,256 को अंक मूल्य चार्ट यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, पर मैडम ने गलत कर दिया। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। अरे हाँ, अब समझा। संख्यांकन की भारतीय पद्धति की टेबल के अनुसार इस संख्या को ऐसे लिखना होगा। अब संख्या को सही डिब्बे में लिखने की कोशिश करता हूँ। 13,03,05,256। हाँ, देखा कितना आसान था। इस वीडियो में हमने लाख और करोड़ के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। चलिए अब आप भी अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।